बिहार सरकार ने हर प्रखंड के अंचल कार्यालय में एक सीआई कर्मचारी की नियुक्ति की है, जिससे निःशुल्क जमीन संबंधी समस्या को निदान करता है। इसके लिए बिहार सरकार ने हर माह 30 से 35 हज़ार रुपये सीआई की सैलरी देती है, लेकिन औरंगाबाद जिला के तेलडीहा पंचायत के तेलडीहा गांव में देखने को मिला है। इस गांव में 200 गरीब समुदाय सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन उन लोग का अभी तक सरकारी पर्चा नहीं मिला है। इसके लिए कई बार ने उन लोग ब्लॉक पर जाकर के सीआई को आवेदन दिए और सीओ के भी आवेदन दिए। बार बार यहाँ तक कि उन लोग धरना भी जाकर के ब्लॉक पर दिए, तब जाकर के सीआई एवं कर्मचारी गांव की जांच करने गए, उसमें सीआई के द्वारा उन ग्रामीणों से पैसे की मांग किए तो उस ग्रामीण समुदाय के लोग ने पैसे देने से इनकार किए, जिसके कारण अभी तक उन लोग की सरकारी पर्चा नहीं मिला। समस्या ये है कि हमने घर मुजफ्फरवा जमीन पर बसे हुए हैं 100 बरस से, अभी पर्चा नहीं बना है सरकारी। अच्छा, तो इससे आप लोग का क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है कि जमींदार लोग धमकी देता है हमने के कि भागो यहाँ से। अच्छा, तो इसके सी आई जो है से यहाँ पर आए और जो है कि से नापी जोखी करके जो है से ले गए, और कुछ जो है से हम लोग सारे पैसा तहसील को भी उनको भी दिए, और कहीं कि से आप लोग का पर्चा मिल जाएगा, बाकी अभी तक जो है से पर्चा उर्चा कुछ भी नहीं मिला। तो इस गांव में कौन से समुदाय के लोग रहते हैं? सब महादलित हैं। चाहते हैं कि इसे सब के हटा दीजिए। अच्छा, और जमीन के पर्चा हमने के मिले सरकारी जमीन के। यहाँ पर कितना लोग आप लोग रहते हैं? हमने 300 आदमी है पब्लिक। 300 में को भी पर्चा नहीं मिला, कोई के नहीं मिला है। समुदाय की मांग है कि कम से कम वहाँ से सीआई को बर्खास्त किया जाए और हम लोग की सरकारी पर्चा मिलनी चाहिए। यह वीडियो देखने वाले साथियों से अनुरोध है, कृपया वीडियो को देख करके मदनपुर के अंचल अधिकारी अजीत कुमार के मोबाइल नंबर 97 71 98 99 30 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं, ताकि इस तेलडीहा गांव की समस्या का निदान हो सके और सरकारी पर्चा उन लोगों के घर पर मिल सके। मैं सुरेंद्र शर्मा, ग्राम मोह, जिला औरंगाबाद, बिहार, इंडिया के लिए।